हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। ये हमारा जीके का मॉक टेस्ट नंबर 31 है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझे वहाँ सर्च कर सकते हैं सुबोध सिंह के नाम से, और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्स आप UP SSC के लिए देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी ग्रामर पढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, बताना है कि कल्प योजना किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, और इस योजना को 1998 में इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के गणतंत्रवादी रूप को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताना है कि सरकार के गणतंत्रवादी रूप को किस देश के संविधान से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की रामराज्य की संकल्पना क्या थी, महात्मा गांधी की रामराज्य की संकल्पना क्या थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विहीन समाज। गांधी जी के अनुसार रामराज्य एक समतावादी समाज था, जहां सभी लोगों को समान समझा जाता था और समाज की व्यवस्था व्यवसाय कर्म पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युक्तिपरक। विवेकपूर्ण निर्णय सावधानीपूर्वक लाभ और हानि की गणना पर आधारित होते हैं। ये निर्णय शुद्ध रूप से नैतिक सोच विचार के आधार पर लिए गए निर्णयों के विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन देने वाला जिला है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरियस। सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। सीरियस जो है वो पृथ्वी से सातवां समीपतम तारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को अपराध के रूप में माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, कौन सी जो है वो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और उर्दू। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा बैठक के लिए अलग अलग सदन वाले भवन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी विवादों का निर्णय कौन करता था, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी विवादों का निर्णय कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार पहली बार मलाया में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, जब ग्रेफाइट चट्टाने रूपांतरित होती हैं तो उससे क्या बनता है, जब ग्रेफाइट चट्टाने रूपांतरित होती हैं तो उससे क्या बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइस। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, आपको बताना है राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद, उनका जन्म किस शहर में हुआ है, आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? कौन सा जो है वो एक नकदी फसल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा छिद्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्ड सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। सीनियो मैत्री 18 नामक वायु सेना अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्र के संदर्भ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। कालानुक्रमिक क्रम में ये प्रक्रियाएं हैं, बताना है कि कौन सा जो है वो एक क्रम में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले बीज, अंकुरण, विकास, प्रजनन, फिर परागण। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील रबर की तुलना में अधिक लोचदार है क्योंकि यह? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक विरूपण बल की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन दिवस कब मनाने का फैसला लिया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना। यह एक प्रकार का तना रूपांतरण है जो पौधों को अधिक मात्रा में स्टार्च जमा करने में मदद करता है, इसलिए हम तने को खाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 निम्न में से किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न राज्य पक्षी कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस क्रेन। अगला प्रश्न देखते हैं। नाहिद आफरीन को बाल अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए यूनिसेफ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली युवा वकील के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? कौन सी नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी डेटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 निम्न में से किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक कौन है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।